और ऐसे कहूँ तो मैंने कुछ समय पहले ही बाबा से एक अपनी दिल की बात कही थी कि बाबा मैं कभी तो आपको लाइव देखना चाहूँगी बाय फेस। और आज मैंने काफ़ी करीब से धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा सुनी। यहाँ कथा सुनाने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, खींचे, ताकि हमें दिल से लगे कि हमें सुनना चाहिए। वो हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी से लगता है, अनादर तो किसी भी कथावाचक से तो ऐसे कभी नहीं लगा। और उसके बाद अभी मेरी जब नानी जी एक साल पहले कोमा में गई थी, वो 6 महीने कोमा का सफ़र तय करी, हमें तो पहले लगा किस्सा हुआ जिस तरीके से वो हमें कोमा में मिली थी और काफ़ी पीड़ा में थी, उनका ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कोमा में से उनके आने के चांसेस नहीं थे। लेकिन जब मैं नागपुर से खंडवा के लिए वापस निकल रही थी, तब मैंने बालाजी भगवान से कहा था कि भगवान जी ने कोमा से बाहर ला दे ताकि हमें सच जानना है कि इनके साथ क्या हादसा हुआ है। और बालाजी सरकार ने ज़रूर सुना, मैं जब उनको लास्ट टाइम कोमा के रूम से ICU से देख के जब बाहर निकल रही थी, मेरी नानी जी को उसी समय तुरंत होश आया। ठट्री के वन ऑफ द बेस्ट, जब वो जय श्री राम का ये करते हैं तो हाँ, तब दिल बहुत पावन होता है, जैसे लगता है कि हम वाकई में हिंदू राष्ट्र में रह रहे। काजल राय कहाँ से? मैं खंडवा। क्या करते हो आप? मैं सोशल वर्क करूँ। तो सोशल वर्क में क्या क्या? हम जिससे कोरोना काल में भी जब विपदा आई तो हमने काफ़ी जनसेवा करी, ऑक्सीजन से लेके जब भी मरीज आए बीमार उनके लिए बेड उपलब्ध कराना, इलाज के लिए उनको समय पर उनके अस्पताल में पहुंचाना, इस तरह की हमने कार्य किए। और अब भी अगर कोई इमरजेंसी हमारे पास आती किसी की तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, आप लोग एक तरफ बालाजी ग्रुप चलाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, राम नाम का भी आप नाम का प्रसार कर रहे हैं, बागेश्वर से जुड़ने का कनेक्शंस कैसे स्टार्ट? ये कनेक्शन तो शायद प्रभु राम जी का ही हम संकेत समझे, बजरंग बली जी का ही संकेत समझे, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही सोशल मीडिया जब चला रही तब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का सत्संग सुना था, और उस सत्संग को जिस दिन सुना था तो मैं उस दिन से ही बागेश्वर धाम से मैं अटैच हुई थी और आज तक मैं अटैच हूँ। और ऐसे कहूँ तो मैंने कुछ समय पहले ही बाबा से एक अपनी दिल की बात कही थी कि बाबा मैं कभी तो आपको लाइव देखना चाहूँगी बाय फेस। और आज मैंने काफ़ी करीब से धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा सुनी यहाँ पे, और जबकि आज तो मेरा काफ़ी विपदा भरा दिन है, आज हमारे यहाँ मामा जी की भी डेथ हुई है, मेरा नानी 3-4 दिन से नागपुर में एडमिट है, उनको हार्ट अटैक आया है, जबकि आज तो मुझे नागपुर के लिए सफ़र करना था, इस समय मेरी ट्रेन थी। लेकिन कहते हैं कि बाबा से जुड़े बच्चों, और जब हमने दिल से कही थी और बाबा जब यहाँ आए हैं खुद साक्षात, तो कल रात को नागपुर में काफ़ी बारिश बाढ़ की समस्या होने के बाद आज हमारा जाना दोपहर में कैंसिल हुआ, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में आज बाबा की कथा सुनना थी। तो बस आज यही चमत्कार समझूंगी कि आज मैं यहाँ से चली जाती नागपुर तो आज मैं बागेश्वर धाम सरकार से आज इतनी अच्छी कथा नहीं सुन पाती। हम इस कलयुग में जी रहे हैं, हम ये बच्चे इतने मॉडर्न जनरेशन के कि हम हमारा कहतो रामायण सब कुछ हम कुछ भी नहीं आज जानते हैं, और अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा सीखना है तो हमें ज़रूर बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हमें आज के लिए, भविष्य के लिए, युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी अच्छा संदेश है। और मैं सभी युवा पीढ़ी से कहूँगी कि आप ज़रूर बागेश्वर धाम सरकार की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा ज़रूर अवश्य सुने और बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ आए, और आपके दिल को, मन को काफ़ी उत्साह भरा एक माहौल मिलता है, अंदर से खुशी मिलती है। आपके जीवन में कितने भी दुख, दर्द, तकलीफ हो, बाबा को ज़रूर याद करें, बाबा आपके वो काम ज़रूर बनाएंगे, आपको संकट से ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि मैंने खुद आजमाया हुआ है जीवन में कई बार, जब भी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, मैंने जब भी बाबा को ध्यान किया है, बालाजी भगवान को, मेरा कार्य ज़रूर सिद्ध हुआ है। जैसे आपने बोला कि आपने TV के ज़रिए ही अर्जी लगाई थी, तो वो मतलब क्या कहा था आपने? भी कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं होगा, मुझे लगता है 20-25 दिन से पहले का ही समय होगा। मैं एक दिन ऐसी सोशल मीडिया पे जब बाबा जी का जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, ऐसी दोपहर में सुन रही थी, और अभी 2-3 महीने पहले भी मेरी मदरगंज हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ था, तब से भी मैं काफ़ी परेशान चल रही थी, तो मैं ऐसी बाबा को अर्ज लगा रही थी कथा सुनते सुनते, और ये नहीं पता था कि बाबा 1-2 दिन बाद ही ऐसा कुछ संदेश आएगा कि बाबा खुद हमारी पावन धरती पर आएंगे और हम सबको प्रेरित करेंगे उनकी कथा के लिए।
जैसे जो बहुत सारे इंडिया में जैसे बहुत सारे भागवताचार्य हैं, इनके अंदर क्या यूनिकनेस लगती है कि इनकी तरफ मतलब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं युवा भी? हमें लगता है कि आते तो काफ़ी कथावाचक हैं, हम जैसे डिजिटल इस पर भी देख रहे हैं, लेकिन जो हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी से सुनी काफ़ी अच्छी। और कहते हैं ना, आपको कथा सुनाने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, खींचे, ताकि हमें दिल से लगे कि हमें सुनना चाहिए। वो हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी से लगता है। अनादर तक किसी भी कथावाचक से तो ऐसे कभी नहीं लगा। और आज भी हम जब भी परेशान होते हैं या हमें जब भी समय मिलता है, हम अपना फेसबुक सोशल मीडिया खोलते हैं और बाबा का जब संस्कार पे लाइव चल रहा होता है या ओल्ड सेशन भी होता है तो हम बहुत उत्सुकता से सुनते हैं, हमारा मन उसमें लग्न हो जाता है। जैसे मैम, कभी आपके साथ ऐसी चीज़ हुई हो कि बालाजी ने वो काम बना दिया हो और आपको वो मतलब नहीं, ऐसा कि ये तो नहीं हो सकता था लेकिन थैंक गॉड ये हो गया, ऐसा स्टोरी शेयर करना चाहें आप डिटेल में? ऐसी स्टोरी तो मेरे साथ कोरोना काल के समय में थी। और उसके बाद अभी मेरी जब नानी जी एक साल पहले कोमा में गई थी, वो 6 महीने कोमा का सफ़र तय करी, हमें तो पहले किस्सा हुआ जिस तरीके से वो हमें कोमा में मिली थी और काफ़ी पीड़ा में थी, उनका ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कोमा में से उनके आने के चांसेस नहीं थे। लेकिन जब मैं नागपुर से खंडवा के लिए वापस निकल रही थी तब मैंने बालाजी भगवान से कहा था कि भगवान जी ने कोमा से बाहर ला दे ताकि हमें सच जानना है कि इनके साथ क्या हादसा हुआ है। और बालाजी सरकार ने ज़रूर सुना, मैं जब उनको लास्ट टाइम कोमा के रूम से ICU से देख के जब बाहर निकल रही थी, मेरी नानी जी को उसी समय तुरंत होश आया। तो बालाजी सरकार का मैं सबसे बड़ा चमत्कार समझती हूँ। आज भले हमारी नानी जी आज 8 महीने हो गए हमारे बीच नहीं है, क्योंकि काफ़ी पीड़ा थी उन्हें, और हम समझते हैं कि बालाजी सरकार का बहुत बहुत शुक्राना कि उनको इस पीड़ा से उन्होंने मुक्त किया। क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हम कहते हैं अगर इंसान स्वस्थ है और उसका स्वस्थ होने की अगर कोई चांसेस है तो ज़रूर उन्हें वापस एक नया जीवन दान मिले। लेकिन अगर व्यक्ति पीड़ा में है तो हम कहते हैं बालाजी भगवान उन्हें ज़रूर आप मुक्ति दे दे इस पीड़ा से। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया बागेश्वर से जुड़ने के बाद? मेरा अतीत, मेरा बचपन से लेकर काफ़ी दुखमय मेरी कहानी भी थी, लेकिन मैं जब भी किसी तकलीफ़ में होती हूँ मैं सिर्फ बालाजी सरकार को याद करती हूँ, बजरंगबली को याद करती हूँ। और मैं एक ऐसी बेटी हूँ ना जिसके पीछे पिता का साया है ना भाई का साया है, एक मेरी मदर है घर में। और मैं एक ऐसे दुनिया में रह रही हूँ जहाँ मर्दों का डेरा है, अच्छे बुरे सभी तरीके व्यक्ति है। अभी मैं खड़ी हूँ, मेरे अगल बगल भी इस तरह के व्यक्ति हैं, भले वो कथा सुनने आए, लेकिन कहते हैं ना इंसान के अंदर की अंतर आत्मा हर किसी की पवित्र नहीं होती है, अंदर बहुत से कचरा होता है। तो मुझे हमेशा संकट मोचन हनुमान ने इतनी शक्ति दी है कि मैं अपनी हर लड़ाई लड़ सकूं। और मैं आज जो निडरता से खड़ी हूँ मेरे जीवन में, मेरे पिता के जाने के बाद भी 15-16 सालों में, तो मैं बालाजी सरकार की इनकी कथाओं से हिंदू जाग रहे हैं। जी बिल्कुल, हिंदू तो जागा हुआ है ही, और अगर ऐसे सनातन धर्म के अगर योद्धा, अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखेंगे हमारे बीच में इस तरह का कथा करते हुए, तो ज़रूर हिंदू राष्ट्र जिसका हम सपना देखते हैं कि जो बहुत अच्छा और एक साफ सुथरी छवि हो वो ज़रूर होगी। आप आज आपके हार्ट में क्या चीज़ हिट कर गई उनकी कथा का प्रवचन को याद हो? बाबा जी सर, हमने एक ही चीज़ बहुत अच्छी सीखी कि नेक साफ दिल रखे, हर किसी के लिए आप सेवा में तैयार खड़े रहे। अगर कोई आपके द्वार आता है, आपको कहीं से भी ये करता है, तो हमें धीरेन्द्र शास्त्री से हमेशा एक ही सीख मिली कि अगर आपको बालाजी सरकार ने धरती पे भेजा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के भेजा है, और आप हमेशा मानव सेवा में आप तैयार रहे। गुरु जी का कोई डायलॉग याद है? ठट्री के वन ऑफ द बेस्ट, जब वो जय श्री राम का ये करते हैं तो हाँ, तब दिल बहुत पावन होता है, जैसे लगता है कि हम वाकई में हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं।